हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपने यूट्यूब के थंबनेल में ही पढ़ लिया होगा कि आज हम टेंस के बारे में सीखेंगे। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश में हर क्लास हर कंपटीशन में काम आता है, और टेंस से ही हम इंग्लिश को बोलना और सीखना सीखते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और मेरे बताए सभी काम को नोट्स के जरिए बनाकर एक बार 30 मिनट तक उसको याद कर लेंगे तो आप टेंस में कहीं नहीं रुकेंगे, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। और आपको इसके बाद कोई भी YouTube पर वीडियो देखने की और कोई भी टीचर से कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। तो गाइस चलो शुरू करते हैं टेंस बाय शेरशाह सर। तो सबसे बेसिक से शुरू करते हैं कि टेंस होता क्या है। तो टेंस वह वाक्य जो टाइम और वर्क दोनों को बताता है वह टेंस कहलाता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट तो अभी चल रहा हो, और पास्ट जो बीत चुका हो, और फ्यूचर जो आएगा। ये नॉर्मली सभी को पता होता है। और इन तीन टेंस के अंदर भी चार प्रकार के टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। समझ गए ना आप। और सिंपल टेंस जब आता है जब काम पूरा होने का पता ना चले, और कंटिन्यूस जब आता है जब काम चल रहा हो, और परफेक्ट जब आता है जब काम पूरा होने का पता चल रहा हो, और परफेक्ट कंटिन्यूस जब आता है जब काम पूरा हो चुका हो और फिर से चालू हुआ हो। जैसे कि एग्जांपल में बताता हूँ कि सिंपल का एग्जाम्पल बताता हूँ कि काम पूरा ना हो, जैसे हम गाड़ी धो रहे हैं, काम पूरा नहीं हुआ है, हम बैठे हैं, हम सो रहे हैं, ये हो गया सिंपल का। और कंटिन्यूस का हो रहा है, काम चल रहा है, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, ये हो गया कंटिन्यूस। परफेक्ट काम पूरा होने का पता चला हो, जैसे 2 साल में यह बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, या 2 साल तक यहाँ काम चला, क्या 2 महीने का इंग्लिश का कोर्स है, तो परफेक्ट में। और परफेक्ट कंटिन्यूस में वो आते हैं जैसे सुबह काम चालू किया फिर दोपहर से शाम तक किया, वो परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। तो कुल कितने हो गए, 3 × 4 मतलब 12 प्रकार के टेंस होते हैं। कुल 12 प्रकार के कुल टेंस होते हैं, और प्रत्येक टेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक असर्टिव यानी सामान्य वाक्य, और एक होता है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक में वहाँ आते हैं जैसे क्या आपने काम किया, क्या आपने आज इंग्लिश सीखी, क्या आपने टेंस किया, क्या आपने शेरशाह से टेंस सीखा, ये प्रश्नवाचक वाक्य में। और सामान्य वाक्य आप जानते ही हैं, मैं बैठा हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये सामान्य वाक्य में आते हैं। और सामान्य वाक्य में पॉजिटिव नेगेटिव वाक्य भी होते हैं, और प्रश्नवाचक में भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो आप इतना तो समझ गए होंगे टेंस के बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो मैंने आपको एकदम बता दी, और आप इसको नोट्स बना के चलिएगा। और जैसे ही ये वीडियो पूरा होता है तो आप इसको 30 मिनट तक देखना और इसको याद करने की कोशिश करना, जिसके बाद आप टेंस पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो अब एकदम काम वाली चीज़ें आ जाती हैं जिसको आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे टेंस में कौन सा वर्ब लगता है। तो जैसे बता दूं कि हमेशा ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, यानी याद नहीं हो तो आप देख लेने चाहिए, ये अपने आप याद हो जाती है, बहुत सरल है ये। ये टेंस होता है सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट सिंपल। सिंपल टेंस में प्रेजेंट में हमेशा डू डज आएगा, और पास्ट में डिड आएगा, और फ्यूचर में विल सेल आएगा।
और कंटिन्यू जो हमारे इजार एम आएगा प्रेजेंट में, वाजवर आएगा पास्ट में, और विल सेल प्लस बी आएगा फ्यूचर टेंस में। यह फिक्स है। और परफेक्ट में, परफेक्ट टेंस में हमेशा प्रेजेंट में हैजेव आएगा, पास्ट में हैड आएगा, और फ्यूचर में विल सेल प्लस हैव आएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट में हैज हैव बीन आएगा, और पास्ट में हैड बीन आएगा, और फ्यूचर में विल सेल प्लस हैव प्लस बीन आएगा। ये कंफर्म है। अगर आप इसको इस टेबल के अनुसार याद करेंगे तो आपको बहुत सरल याद होगा और ऐसा कोई मुश्किल नहीं है याद करना। अगर आप सभी स्ट्रक्चर एक साथ लेके बैठेंगे तो आपको याद बहुत मुश्किल से होगा। तो देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होते ही हैं, उनको आप एक बार छोड़ दें और एकदम से आप ओनली वर्ब याद करें कि वर्ब आती कौन सी है और क्या होती है ना। ये याद हो जाएगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कोई दिक्कत नहीं है। और वर्ब के साथ आईएनजी और लगता है वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि सिंपल टेंस होता है ना, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ये एकदम कंफर्म है। उसके अलावा कोई टेंस में नहीं आ सकती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा। सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई वर्ब आ ही नहीं सकती। और कंटिन्यू में वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। और एक बात आप रट के चलो कि अगर कहीं पे वर्ब के साथ आईएनजी है ना तो वो कंटिन्यूज ही होगी। इसके अलावा कंटिन्यू टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी आता ही नहीं है। और परफेक्ट में मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। यह कंफर्म है और यह कभी चेंज हो ही नहीं सकती। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये दो टेबल हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ऊपर वाले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नीचे वाली भी इम्पोर्टेंट है आपको एकदम कंफर्म करने के लिए। और चलो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ड से होती है, जैसे डू डज, वू, वूम, इनसे हमेशा इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत होती है। तो ये एक और टेबल है जिसको भी आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको डू, डज, हैजेव और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस या ई एस का पता चलेगा। प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हो या वी, दे, यू, आई वाक्य में आ चुका हो और उस वाक्य में कुछ ऐसी चीज़ें दे गई हो जो काउंट की जा सके, जैसे वाक्य में बताया गया हो कि दो टीवी हैं, वो काउंट किया जा सकता है। और अनकाउंटेबल वो चीज़ होती है जो काउंट नहीं की जा सकती, जैसे पानी हो गया, कोई भी चीज़ें जो। तो ये जो टेबल है ये आपको याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको यह पता चलेगा कि वाक्य में अगर डू डज दोनों का ऑप्शन हो तो डू कहाँ आएगा और डज कहाँ आएगा। अगर हैज हैव का ऑप्शन हो तो हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस का ऑप्शन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आएगी और एस या ई एस कहाँ पर आएगा। तो आप याद रखना इसको, आप कहीं पे नोट्स बना के रखना। अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो या वी, दे, यू, आई यह शब्द आए हुए हो और उस वाक्य में कुछ ऐसा चीज़ दी गई हो जिससे कुछ चीज़ अपन काउंट कर सकते हैं, तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और डू, डू डज में से डू आएगा और हैज हैव में से हैव ही आएगा। और यह कंफर्म है। इससे मतलब ऐसा नहीं है कि आ सकता है, 100% आएगा। और दूसरे और आप ये देख लें, अगर प्लूरल नाउन हो उसमें वाक्य में अगर प्रोनाउन हो, ही, सी, इट हो दिया हुआ हो और उस वाक्य में अगर कुछ अनकाउंटेबल चीज़ जैसे पानी, दिया गया हो तो उसमें हमेशा वर्ब की वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा और डू डज में से डज और हैज में से हैज ही आएगा। ये कंफर्म है, मतलब इससे बाहर नहीं आता। तो आप इसका नोट्स बना के रखिए और ये एकदम इम्पोर्टेंट सूत्र है जो आपको याद होने चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हम स्ट्रक्चर तो आपको याद नहीं कराएंगे, हम आपको एक बता देते हैं। एक सीट है जो
मतलब उसमें सब स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, आप उसको या फिर मैं आपको PDF भेज दूंगा, नहीं तो आप इसे देख लीजिए। ये रही वो सीट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या किसी से मतलब उतार लें इसको। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट है और इसमें सभी स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट सिंपल के, पॉजिटिव नेगेटिव, असर्टिव पॉजिटिव, असर्टिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सबके स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। आप इसके अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें या कहीं पे उतारना चाहें तो उतार दीजिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बार नहीं आते। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपने सभी वाक्य याद करेंगे तो आपको यह दिक्कत आएगी कि इज आर एम तीन ऑप्शन दिए होते हैं हर स्ट्रक्चर में। मतलब अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट ना, तो ये स्ट्रक्चर रहती है। तो देखो इसमें इज आर एम तीन ऑप्शन में दिए होते हैं तो हमको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इज आर एम कहाँ आता है, तो इज आर एम में से कौन सा आएगा, यह दिक्कत रहती है। तो देखो अगर वाक्य में एक वचन दिया हुआ हो तो इज आएगा, बहुवचन दिया गया हो तो आर आएगा, अगर आई दिया हुआ हो केवल आई के साथ ही एम आता है, अदरवाइज एम का कोई उपयोग नहीं है। अगर वाक्य में आई दिया गया है तो ही एम आएगा, नहीं तो अगर एक वचन है बहुवचन है तो इज आर एम आ सकता है, लेकिन एम तो आ ही नहीं सकता, यह कंफर्म है, ये आप एकदम याद रखें। और हैज़ का भी काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें हैज़ हैव दो ऑप्शन दिए गए होते हैं तो अपन कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हैज़ हैव में से कौन सा आएगा। तो देखो अगर सिंगुलर हो यानी एक वचन हो तो हैज़ आएगा, और अगर प्लूरल हो बहुवचन हो तो हैव आएगा, लेकिन याद रखना आई के साथ भी हैव आता है, यह कंफर्म है, और इस और आई के साथ हमेशा हैव आएगा, अदरवाइज कुछ भी हैज तो आ ही नहीं सकता। तो बाद में देखो एक और दिक्कत होती है, उसमें होती है फ्यूचर में। फ्यूचर में एक वाक्य है फ्यूचर कंटिन्यूस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, तो उसमें यह वाक्य है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव का मैंने आपको बता दिया, हैज कहाँ आता है, हैव कहाँ आता है, बीन तो लगाना ही है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको लगाना आता है, और फॉर और सिंस का ऑप्शन आ जाता है कि फॉर आएगा या सिंस आएगा, कुछ कुछ वाक्य में अपन दिक्कत दे देते हैं। तो फॉर और सिंस का बता है ये देख लीजिए आप, अगर वाक्य प्लूरल हो उसमें ड्यूरेशन सेकेंड, घंटे, हॉर्स, डे, दिन, वीक, हफ्ता, मंथ, महीना, ईयर, साल, डिकोन, 10 साल, सेंचुरी, 100 साल, मिलेनियम्स, 1000 साल, और बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉन्ग टाइम यानी बहुत ही लंबा समय दिया गया हो तो उसमें हमेशा फोर आएगा। और सिंस का पता है जब वाक्य सिंगुलर हो उसमें कोई टाइम दिया गया हो जैसे 10 AM, 7 o'clock, या दोपहर, शाम, रात, आधी रात, दोपहर, नून, मिडनाइट, आधी रात, सनराइज, सूरज उगता हुआ, डूबता हुआ, और कोई भी वार दे दे मंडे टू संडे, और कोई भी महीना दे दे जनवरी टू दिसंबर, यस्टरडे टू डे, और लास्ट के बाद कोई भी अगर कुछ भी दे दे प्लस माइनस लास्ट डे, लास्ट टू डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, तो भी सिंस आएगा, और बर्थडे में भी सिंस आता है। और यह वाक्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप बहुत कंफ्यूजन हो जाओगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे वर्ड होते हैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज,
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें लास्ट में फोर या सीन्स प्लस टाइम आता है, जिसमें फोर और सीन्स में अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो हम फिर से आ जाते हैं, एक वाजवर का और दिक्कत रहता है, और वाजवर का दिक्कत पास्ट कंटिन्यूस में होता है। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूस की अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यह पास्ट कंटिन्यूस का है। इसमें वाजवर दो ऑप्शन देते हैं, तो अपन को पता नहीं होता कि वाज आता है या वर। तो बता दें, वाज जब आता है जब वाक्य सिंगुलर हो, और वर जब आता है जब वाक्य प्लूरल हो। लेकिन याद रखना, आई के साथ भी हमेशा वाज ही आएगा, क्योंकि आई एम के साथ कोई कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आई जो होता है वो प्लूरल होता है, जो वर के साथ आना चाहिए, लेकिन आई वाज के साथ ही आता है। एक विल सेल का और प्रॉब्लम रहता है, जैसे फ्यूचर के जितने भी टेंस है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर। तो जैसा कि मैं विल सेल का आपको बता रहा था कि विल सेल कब आता है, विल सेल काफ़ी सारे स्ट्रक्चर, जैसे फ्यूचर कोई भी टेंस हो, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, में विल सेल दोनों का ऑप्शन रहता है। जैसे कि हम बता दें विल सेल कब आता है, सेल जब वाक्य में आई और वी हो तो सेल आता है, और इन सब के अलावा कुछ भी हो, बाकी में इनमें से कुछ भी हो तो उसमें विल आता है। लेकिन कुछ बहुत कंडीशन होती है जिसमें यह वाक्य उल्टा हो जाता है, जिसमें आई और वी के साथ विल आता है और बाकी सब में सेल आता है। अगर फ्यूचर में डिटर्मिनेशन यानी निश्चय, कर्तव्य, आदेश, धमकी का अगर कुछ वाक्य में दिया गया हो तो आई और वी के साथ विल आएगा और बाकी सब के साथ सेल आएगा। यह एक आपको कंफ्यूजन रह जाता है, क्योंकि विल सेल एक मॉडल भी होता है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सभी सूत्र एकदम आसान तरीके से समझा दिए हैं, और अगर आपको एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो कोई भी एक बुक उठाएं और उसे एक्सरसाइज करें, और मेरे बनाए नोट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अपने कॉपी में उतार के और उससे चेक करिए, आप देखेंगे कि आपकी एक भी गलती नहीं होगी, और मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ। तो गाइस शुक्रिया, धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा।